तो गाइज ये वीडियो है पासिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए पासिव के लिए फॉर्मूला है एम इज आर, इनमें से कोई एक। आर जब आएगा जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आएगा, और आपका सब्जेक्ट सिर्फ आई होगा तब आई के साथ एम आता है, ये आप जानते ही हैं पहले से। उसके बाद बेइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि हमने बोला सेंटेंस पहला है आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो इसमें आपने देखा कि इसका पासिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसको रूल को देखिए एक बार और। ठीक है, उसके बाद देखेंगे टीवी, जो यहाँ पे टीवी आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, टीवी सब्जेक्ट बन गया, और बेइंग के साथ वॉच, है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वॉच क्या है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है वॉच की। तो बाई बाई मी, है ना, ये एजेंट हो गया मी, यानी मेरे द्वारा, आई का मी हो गया यहाँ पे, आई जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट था, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ये आपको खास ध्यान देना है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर हाल में आती है। ठीक, अब देखते हैं दूसरे, उसमें बात करते हैं, दूसरा सेंटेंस है दे आर बाइंग मोबाइल्स। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, दूसरे में बात करेंगे दे आर बाइंग मोबाइल्स, वे मोबाइल खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे पासिव में, के पासिव में देखेंगे आप मोबाइल्स, जो कि यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना, और आर आर आ गया, आर क्यों आया, देखिए ये आर आएगा क्योंकि मोबाइल है ये, यानी मोबाइल नहीं है सिर्फ, ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, और बेइंग बॉट, बॉट बॉट बाई का बॉट हो जाता है, सेकंड और थर्ड सेम होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है ना, तो मोबाइल्स आर बेइंग बॉट बाई देम, उनके द्वारा मोबाइल खरीदा गया। अब देख रहे हैं पासिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, हमारा सेंटेंस नंबर तीन है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे बहुत अच्छे से, देखिए कि रूल है वही वाला सब कुछ, है ना, वर्ब थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये आप जानते ही पहले से। तो देखिए एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस लेंगे हम, बिना एक्टिव वॉइस के हम पासिव वॉइस कैसे बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए, तो एक सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, द प्रेजिडेंट इज रिवार्डिंग मी, है ना, मतलब हुआ राष्ट्रपति मुझे पुरस्कृत कर रहे हैं, यानी मुझे इनाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं पासिव वॉइस में बोलना चाहूँ कि आई एम बेइंग रिवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपने देखा कि मुझे राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। ठीक, तो आपने देखा कि इसमें जो है आई आई मी का आई हो गया, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे वो सब्जेक्ट बन गया, और द प्रेसिडेंट जो यहाँ पे सब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब सब्जेक्ट थे, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे क्या हो गए, ये आपके ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक, और ये यहाँ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो आई एम, एम आई के साथ ही आता है, ये आपको पता ही है, तो आई एम बीइंग रिवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट, ये रिवार्डेड वर्ड की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म थर्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गया, ये आई एन जी वाला फॉर्म है, ये आई एन जी वाला, आई एन जी सामने देखा आपने कि आई एन जी वाले के साथ बीइंग लग गया, तो बीइंग हर हाल में आएगा, तो आपने देखा कि आई एम बीइंग रिवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक, इतनी सी कहानी थी, ये था आपका पासिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।